दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ज्वाइन कर लिया है। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं मुंबई। और ये देखिए, ये है बांद्रा वर्ली सीलिंक, इस पे हम ड्राइव कर रहे हैं। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से हमारी जर्नी कितनी आसान हो गई, और हमने सुबह स्टार्ट किया था और शाम को हम पहुंच गए हैं मुंबई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली से उज्जैन। तो हमारा सारा यहाँ का चेकआउट हो चुका है और अब हम निकलने के लिए हैं बिल्कुल रेडी। तो स्पर्श भी आ चुके हैं, कल हम नाइट में बहुत लेट हो चुके हैं दिल्ली में आने में, क्योंकि बॉम्बे से डायरेक्ट हम पहुँचे IIM रोहतक, वहाँ से बेटे को पिकअप किया, वहाँ से निकलते निकलते मुझे 10:30 हो गया और इसके बाद वहाँ से निकले दिल्ली के लिए। तो दिल्ली आते आते मुझे 12:30 बज गया और फिर भयंकर नींद आई, बहुत थकान हो गई। तो हम आराम से सोए और फिर आराम से उठे, तो उठते उठते 6:00 हो गया। अब ब्रेकफास्ट हुआ है और अब बज चुका है 9:00। तो 9 बजने के बाद अब हम पूरी तरह से रेडी होकर के उज्जैन के लिए निकलते हैं। तो उज्जैन के लिए हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं निकलने के लिए और जोर से बोलते हैं जय महाकाल। तो उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करेंगे हम लोग। हबी जी एक बार यस जोर से बोलो जय महाकाल। या तो महाकाल जी की नगरी जा रहे हैं उज्जैन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं मुंबई। इधर से एंट्री पॉइंट है जो आपको दिल्ली सोना हाईवे से ज्वाइन करना है। एंड ये देखिए, अभी आपको डिटेल में दिखाएंगे। सचिता बैठ चुकी हैं। तो हम लोगों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ज्वाइन कर लिया है और अब हम चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जो हम पहली बार इस पर ड्राइविंग करेंगे। तो चलते हैं, अपनी ट्रिप शुरू करते हैं। और काफी मस्त लग रहा है यार। इसमें 120 है। अब जो स्पीड लिमिट है सारे एक्सप्रेसवेज पे, अब स्पीड लिमिट 120 हो रही है धीरे धीरे। समृद्धि महामार्ग पे हमने ट्रेवल किया था, वहां पे भी स्पीड लिमिट 120 थी और इस पर भी स्पीड लिमिट 120 है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये फेज 1 है जो दिल्ली से दौसा, जो जयपुर के पास है, वहां तक ओपन हो चुका है। और ये देखिए, इस सेक्शन को बोलते हैं दिल्ली वडोदरा सेक्शन और दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारी तरफ से आपके लिए। वाह, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे आपका स्वागत करता है। थैंक यू। तो हमने क्रूज सेट किया है 105 पी, क्योंकि इसकी स्पीड लिमिट है 120, बट हमें 120 पे नहीं चलना है। हमने अपना क्रूज सेट किया है 105 पी। मुंबई इस
1224 किलोमीटर्स है, तो अभी लेकिन रेडी नहीं हुआ है मुंबई तक। बट जिस दिन रेडी हो जाएगा वो दिन सचिना का बहुत बेस्ट एंड हैप्पीनेस मेरा होगा। जन्नत है जन्नत। आज हमारी 22nd मैरिज एनिवर्सरी है। यस। और 2001 में हमारी शादी हुई थी और आज हम फर्स्ट टाइम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में एक्सपीरियंस ले रहे हैं ड्राइव करके अपनी गाड़ी से। मजा आ रहा है रियली, अद्भुत एक्सपीरियंस। एक्सप्रेसवे का फर्स्ट टोल प्लाजा। ये है फर्स्ट हमारा टोल एक्सपीरियंस। वंडरफुल। और आई थिंक काफी फास्ट था, हमें जरा भी रुकना ही नहीं पड़ा। यस। और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा।
तो आज हमारा स्पेशल डे भी है क्योंकि आज है हमारी डेली एनिवर्सरी। सचिता कितना टाइम हो गया हमें ड्राइव करते करते? तो हमको ड्राइव करते करते 3 घंटे हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 222 किलोमीटर, और हमारी वंडर कार दे रही है 75 एवरेज स्पीड एवरेज। आई थिंक काफी अच्छा है, मतलब 2 घंटे में हमने 200 किलोमीटर कवर कर लिया है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 1 घंटे में लगभग 30 किलोमीटर किया था, 35 किया था हमने, और उसके बाद से देखिए कितना। तो अगर ये हाईवे, ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है मुंबई तक, तो आप सोचिए कितना इजी हो जाएगा। बल्ले बल्ले। आप 12 से 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं। हालांकि डोर टू डोर में थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, 1-2 घंटे दिल्ली में लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सेम वे 1-1.5 घंटा मुंबई में भी लग सकता है, लेकिन फिर भी अभी हमें लगा 24 घंटे आने में, तो वो काफी बचत होगी। आप मैक्सिमम 15-16 आवर्स में ट्रेवल कर पाएंगे दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली। और जो लॉन्ग ड्राइव करते हैं उनके लिए आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। कि और ये जो न्यूबीज हैं जो अभी तक ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी उनको भी इंस्पायर करेगा, एनकरेज करेगा कि आप जो है जर्नी ट्रैवल करो। अगर आप अच्छे से प्लान करें तो आई थिंक क्वाइट पॉसिबल, कोई इशू नहीं। अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से जर्नी परफॉर्म कर रहे हैं तो आई थिंक इससे बेटर कुछ भी नहीं है। और हमें स्टार्ट के हुए 3 आवर 25 मिनट्स हो चुका है, और जो डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है वो ऑलमोस्ट 275 किलोमीटर है, और एवरेज आप दे सकते हैं 80, और वो भी जब है जब हम 110 पे क्रूज कर रहे हैं। स्पीड लिमिट आप ये देख सकते हैं कि 120 है, लेकिन हम एक्चुअली 120 है, बट हमने अपना क्रूज लगाया 110 पर क्योंकि हमें ज्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। और एक बार हमने क्रूज लगा दिया तो हमें स्टेयरिंग छूने की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, बाद बाकी पैर देखिए हमारे फ्री है और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे हो चुके हैं हमें ड्राइव करते करते, और बिल्कुल फटिग नहीं लग रहा, बिल्कुल थकान नहीं लग रहा। और इसमें से आई थिंक 2 आवर्स में लगभग हमने इस एक्सप्रेसवे पे ट्रेवल किया है, और काफी डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। आई थिंक पूरा लगभग जो है 2 से सवा 2 घंटे में ही हमने कवर कर लिया है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था फर्स्ट आवर में तो हमने 35 किलोमीटर के आसपास ट्रेवल किया था, फिर जब हम सोना से लगे, और ये देखिए सामने मुंबई, गोथून, लालसोट, तो ये लालसोट तक ही जाता है अभी करंटली ये एक्सप्रेस वे। और अब हम ऑलमोस्ट जो पूरा स्ट्रेच है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, जो है 2.4 किलोमीटर शायद बचा है। Yes. और अब हम एग्जिट पे आ चुके हैं, जो इस एक्सप्रेसवे से अब हम एग्जिट करेंगे। देखिए ये आगे रोड को ब्लॉक किया हुआ है, और ये अब हम एग्जिट कर रहे हैं इस एक्सप्रेसवे को। और टोल आ गया भाई, टोल पे करो, इतना अच्छा एक्सपीरियंस लिया है आपने इस एक्सप्रेस वे का। तो दिल्ली से हमने स्टार्ट किया था और इस एक्सप्रेस वे को अब हमने यहाँ पर एग्जिट किया है, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमने कवर किया वो 279.3 और 3 आवर्स 32। अब हमने इस एक्सप्रेस वे को एग्जिट कर लिया है, और ये लालसोट और कोथून तक ही आता है, ये पार्ट वन है। और इसके बाद अब हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। तो ये एक्सप्रेस वे का हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला।
चलिए अब चलते हैं, अभी जी ड्राइव करेंगे और मैं रेस्ट करूँगी। और अब हमने टर्न कर लिया है टोंक एंड कोटा की तरफ। अगर आप यहां से राइट टर्न लेंगे तो आप चले जाएंगे जयपुर, और हमने टर्न किया है कोटा की तरफ क्योंकि हम जा रहे हैं उज्जैन। तो ये है NH 52, ऐसा गूगल दिखा रहा है, और ये हमें लेके जाएगा कोटा। और ये देखिए NH 52 दिखा रहा है गूगल, बाकी हम तो फर्स्ट टाइम इधर आ रहे हैं तो हमें इतना आइडिया है नहीं इस रूट का। स्टेशन अभी भी बचा है 450 किलोमीटर और लगभग हमें 8 आवर्स रखने चाहिए, लेकिन बीच में लंच वगैरह के लिए रुकेंगे तो हो सकता है शायद ज्यादा टाइम लग जाए, बट कोई नहीं, क्योंकि जाके रेस्ट ही करना है हमें। इस तरफ है, हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, हम लोगों ने राजस्थान के इस पार्ट में कभी भी ट्रेवल नहीं किया है, क्योंकि हम जयपुर अजमेर और ब्यावर पाली होते हुए भी एक बार दिखे हैं, और अदरवाइज फिर हम उदयपुर होके मुंबई गए हैं, जयपुर अजमेर उदयपुर। ये जो है कोटा साइड हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो देखते हैं कि यहाँ के हाईवेज को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कैसे है और ट्रैफिक कैसा है यहाँ पर। अभी तो हमने ट्रेन में ड्राइविंग की थी, आप बस हाईवे पे आ गए हैं, ये 4 लेन हाईवे है। और अभी हमने होल्ड लिया है लंच के लिए, तो ये हमारा लंच आ चुका है मसाला छाछ के साथ, हम कर रहे हैं लंच। और काफ़ी दिनों के बाद स्पर्श भी है हमारे साथ आज लंच में। तो अभी कोटा लगभग 140 किलोमीटर बचा है, करते हैं लंच और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। ड्राइविंग टाइम हो चुका है, लंच भी हमने कर लिया है, और जो हमने 5 घंटे में डिस्टेंस कवर किया है वो है 383। तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि 4 घंटे में हमने 350 किलोमीटर कवर किया है, तो आप सोच सकते हैं। और इतना ही डिस्टेंस अभी हमारा बचा है और गूगल दिखा रहा है 7 घंटे, तो आप सोच सकते हो कि हम लोग आज कितना स्पीड में आए हैं ड्यू टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। और उसके बाद जो ये भी हाईवे मिला है, तो हालांकि 2 लेन ईच साइड है बट ट्रैफिक ऐसा कुछ खास नहीं है, तो बिल्कुल हम नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहे हैं इस पे। एंड जो एवरेज हम काफी, जैसा कि 80 हमने दी थी अभी जी ने, सचिता 80 पे लेके आई थी, लेकिन अभी भी 76 पे है, तो आई थिंक दैट्स क्वाइट गुड। और अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, किलोमीटर तो लग रहा है कि ज्यादा नहीं है शायद, अगर सही 60 के आसपास की भी एवरेज आती है, बट हमें पता नहीं है कि आगे गूगल कैसे कैलकुलेट कर रहा है। सो चलिए चलते हैं, और अब नॉन स्टॉप जहाँ पे भी आप टी ब्रेक लेंगे तो वहाँ पर आपको ज्वाइन करेंगे।
गुजर रहे हैं कोटा बाईपास से, मतलब कोटा सिटी में हम एंटर नहीं करेंगे और झालावाड़ की तरफ जा रहे हैं। तो हम ज्वाइन करेंगे NH27। यस, बहुत सारे हाईवे हम जनरली जब मुंबई से कानपुर जाते हैं तो उसको शिवपुरी के पास से पिक करते हैं इस रोड को, और ये झांसी तक, झांसी कानपुर इलाहाबाद, इलाहाबाद तो हम जाते नहीं, बस झांसी कानपुर, बट ये इलाहाबाद भी जाता है। अलेक्सा ओपन सनरूफ। हम लोग पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, टेक केयर, थम्स अप।